हिंदी में ही बात करूँगी, एक्चुअली मुझे हिंदी अच्छी लगती है। तो बहुत चैलेंजिंग था और मैं हमेशा से मतलब ये इस टाइप के चीज़ों में मतलब रुचि रखती हूँ। तो मुझे जब पता चला कि मेरे को प्रोड्यूस करनी है फिल्म और मेरे पास कुछ लोग आए, मतलब लोगों के साथ बातचीत हुई, तो जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टर के साथ, पहले से ही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था कि हम फिल्म बनाएंगे, वो बातचीत चल रही थी। तो फिल्म ऐसी बनाएंगे ये नहीं पता था, बट जब ये लगा कि मेरे को कि क्या फिल्म बनानी चाहिए जो एक मैसेज आए, जो हम लोगों तक पहुँचाए और लोगों के लिए कुछ कर सके। मैं हमेशा अभी भी मैं अब चाहती हूँ आगे भी लाइफ भगवान मुझे ऐसा इतना कुछ दें कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो हेल्पलेस हैं। तो इसीलिए मेरे अंदर थॉट आया, मैंने शेयर किया इनके साथ। ये भी हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती है, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो हमने स्टार्ट किया। बाकी ये बताएंगे आगे स्टोरी के बारे में सारी चीज़ें। जी बिल्कुल मुकुंद, मुझे आपसे पूछना है कि इतना बोल्ड टॉपिक आपने राइट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, कैसा था प्रोसेस आपके लिए? बोल्ड टॉपिक क्यों है ये तो, मतलब आप एक चीज समझिए ना कि जो फिल्में होती है वो हमारा जो समाज है उसका आईना होती है। तो टॉपिक कुछ बोल्ड नहीं होता और बोल्ड कुछ नहीं है, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हो रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग एक हीरो और हीरोइन को नाचते हुए दिखाएं, एक मीनिंगफुल फिल्म भी तो बन सकती है। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि हम लोग अगर जो लोग जिन लोगों को पता है चीज़ें, अगर वो हम लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, होता आ रहा है या क्या सही हो रहा है। कोई ज़रूरी है नेगेटिव बातों पे फिल्म बने, ये हमने अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई है, तो अवेयरनेस लोगों को किसी तरीके से तो पता लगे। तो ये इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को हमारा मोटिव यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से फिल्मों का, कि हम लोगों को एक मैसेज तो दें, पता तो लगे लोगों को चल क्या रहा है दुनिया में। तो इट्स नॉट बोल्ड, ये समाज है। ट्रूथ, फेयर इनफ, ट्रूथफुल सब्जेक्ट चेंज कर लिया, सच्चा सब्जेक्ट। अच्छा अब मैं हमारे तीनों एक्टर्स से ये पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस प्रोजेक्ट से जुड़कर, आप तीनों अगर आप। और बहुत चैलेंजेस आए और शूट के दौरान भी और उसके बाद भी, और मुझे लगता है कि हमने इंजॉय किया क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मैसेजफुल है और मुझे लगता है समाज में ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। और एक्ट करके मेरा तो डेब्यू है और काफ़ी सालें लगी यहाँ तक पहुँचने में, और इट्स गुड, मुझे खुशी है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर रहा हूँ। धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं आप। जी 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 जी, यस सर प्लीज। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और मैंने तो मुकुल जी के साथ में पहले भी एक फिल्म की है रॉन्ग लीला, तो उस फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म है मुकुल की। और मुकुल ने जब मुझे रोल बताया और बताया कि ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट है, इस पर मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये रोल है आपका, तो नेगेटिव लीड का रोल था, मुझे बहुत अच्छा लगा और करने में भी मज़ा आया। काफ़ी चैलेंजेस थे जैसा भूषण जी ने बताया कि हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस को लेके और बहुत सारी हौचपौच चल रहा था क्योंकि हमको टाइम से कंप्लीट करना था अपना सब्जेक्ट, तो उस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस रहे। लेकिन मैं दाद दूंगा सुहानी जी की, भूषण की, मुकुल जी की, इवन रवि और सारे प्रोडक्शन के लोग, डायरेक्शन के लोग, जिन्होंने जी जान लगा के रात दिन काम किया और इस सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चित्रंजन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? और मुझे पता था कि ये कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सो फर्जी के बाद मैं भी ढूंढ रहा था कि कुछ ठीक ठाक सा काम मिले तभी मैं करूं, कि मैं कुछ भी करना ऐसे मैं करता नहीं एज एन एक्टर। तो एक दिन भाई साहब आ गए मेरे पास और उन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो मैंने कहा काफ़ी डेप्थ है, गहरापन है आपके बताने में भी और आपकी सोच में भी, तो चलते हैं साथ में। मैं लेंथ बड़ा ढूंढ रहा था कि कैरेक्टर कोई बड़ा मिले मुझे, लेकिन लेंथ कम हो के भी ये इतनी बड़ी बात कह रहा है फिल्म में,
और जैसे आपने सुना कि गलत को गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसी को सही समझ लेंगे। तो इस तरह की लाइन मिलना एक्टर के लिए और एक मैसेज और एज एन एक्टर कैरेक्टर को समझ के लोगों तक पहुंचाना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो चाहते हैं वो जिम्मेदारी मेरी थी, तो जहां तक हो सका मैंने करने की कोशिश की है। बाकी तो फिल्म देखिए 16 तारीख को है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप कम्युनिटी को जोड़ने की बात करोगे तो जिस कम्युनिटी के लिए बनाया गया है उसका लैंड क्या ग्रैब नहीं हो रहा? सोच के देखिए आप। अगर वो जो कानून है उसके लोग ये बोल दें कि ये शहर का ये पार्ट हमारा है तो वो उनका हो गया, डजेंट मैटर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या नहीं है, वो उनका हो गया। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। तो किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो आप गलत कह रहे हो। उस कम्युनिटी के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी के लिए नाम तो आएगा, आप क्या कर सकते हैं। ये लोगों की आवाज़ है, लोगों की बात है, ये कम्युनिटी की कोई ऐसी बात नहीं है। जो गलत है वो सही है उसकी बात है। ये हम लोग बिलीव करते हैं कि जो गलत है वो सही है वो सही है। हमने फिल्म में भी वही दिखाया है। मेरा एक दूसरा और आखिरी सवाल ये है, जो ऑब्वियसली मैंने खुद मेरे लाइफ में ऑल दीज ईयर्स लिविंग इन मुंबई जो देखा है, ये रियलिटी भी है कि बॉम्बे के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। सो आई थिंक ये भी चाहे, बिकॉज ट्रेलर में बड़ा खूबसूरत कहा है कि जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, तो आप इसकी भी निंदा करेंगे? बिकॉज मुस्लिम्स आर नॉट अलाउ इन मैनी सोसाइटीज़ इन बॉम्बे। सर देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, बट आप हर शहर में दो पार्ट बने हुए हैं, हिंदुस्तान के हर शहर में दो पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में कुछ लोग एंटर कर सकते हैं, एक पार्ट में तो कुछ लोग एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये जो डिवाइड है ये क्यों है, कौन इंस्टिगेट करता है इस डिवाइड को? तो ये डिवाइड है, एग्जिस्ट करता है। और सर ये कौन से शहर में बेस्ड है? ये कोई शहर हमने बेस्ड नहीं किया है। ये हमने कोई नाम नहीं लिया किसी शहर का, दिस इज जस्ट अ इंसिडेंट। थैंक यू। भारत के हर कोने कोने के हर अलग अलग जगह के हमने इंसिडेंट उठाया है, इसमें हर जगह की कहानी है, मतलब पूरे भारत की कहानी है। हेलो, हाय, आई एम फ्रॉम बजूका। आई जस्ट वांटेड टू नो दैट क्या ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है या कुछ ऐसा है? बेस्ड नहीं कह सकते, बट इंस्पायर्ड है ऑब्वियसली, टू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं है। और सेंसर बोर्ड ने क्या पास कर दिया है फिल्म को कि क्या है? जी हाँ, बिना एनी कट्स? नहीं, कट्स मिले हैं ऑब्वियसली, सेंसर बोर्ड का काम है कट लगाना, तो उन्होंने कट तो लगा दिए। जी, तो ठीक है, मेरे इतना काफी है। इफ यू कैन हियर मी आउट। या या, आई कैन हियर यू। मेरा सवाल आपसे है कि ये बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसे टीजर जब फिल्म का आया था तो उसमें ही कहीं बताया गया था, जब मैं 1500 पुराने मंदिर की बात करता हूँ उस पे लेके अभी तक विवाद चल रहा है, यू नो द डिस्कशन इज गोइंग ऑन। और द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब आप इस तरह की फिल्म को लेके आते हैं, ये मुझे कहीं केरला स्टोरी की भी याद दिलाता है कि केरला स्टोरी के माध्यम से, या मैं कश्मीर फाइल की बात करूँ तो एक मुद्दा उठाया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा था। जब आपने इस पे काम करना चालू किया, व्हाट वाज योर यू नो थॉट, क्यों जरूरी है फिल्म? जैसे मैंने पहले भी बताया था, जरूरी क्यों है? जरूरी क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऐसे कनेक्ट करती हूँ। एक बार मेरा इंसिडेंट हुआ था, मैं जा रही थी पुणे, तो मेरा ड्राइवर था जो बैठा था, ऐसे ही हमने डिस्कशन में, कई बार ऐसे कुछ अच्छा लगता तो बातचीत कर लेती हूँ, तो वहाँ से मेरे को वो थॉट बहुत मन में लगा। उसने मुझे बताया कि जोगेश्वरी का कोई इंसिडेंट हुआ है, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, सारे लोग यहाँ से चले गए हैं और मैम बहुत बुरी हालत है, और अब हम परिवार हम भी बेच के जाने वाले, एक लास्ट बचे। तो वहाँ से मेरे को बहुत कनेक्ट किया, वो बहुत डीपली बता रहा था, उसका भाई का मर्डर भी हो गया, उसने बताया मेरा भाई का उन्होंने मर्डर कर दिया है और हमारी बहन बेटियों को छेड़ा भी है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से परेशान किया। वो आम था, उनको नहीं पता था कि मैं फिल्म बना रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं आइडिया था, मैंने ऐसे ही पूछ रहे थे, हम रैंडम पॉलिटिकल बातें करती, मैं करती रहती हूँ कई बार, तो वो बातें करते करते उसने ऐसी चीज़ें मुझे बताई, तो मुझे लगा कि यार ये कितनी बड़ी समस्या है, मतलब इस तरीके से घटना हो रही है भारत में, क्यों हो रही है? तो मतलब दुख होता है, ऐसे बहुत और भी हुई है इन बिटवीन, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, आप दिल्ली के दंगे देख लो, तो उससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और मैं बहुत डीपली नॉलेज रखती हूँ इसमें, तो इसीलिए हमने थॉट आया कि हम इस पर पिक्चर बनाते हैं। और मैंने डिस्कशन बहुत, हमने इस पर बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च किया,
देन हम लोग इस मुद्दे पे पहुंचे कि हम लोग इससे पे ही फिल्म बनाएंगे ताकि अवेयरनेस आए। चित्रंजन सर आपसे सवाल है मेरा। इट्स ओके वैसे यू कैन हियर मी आउट। फर्जी जैसे फिल्म और ना जाने कितनी अनगिनत किरदार जो आपने निभाए हैं, आप भले से दुनिया भर की स्टारकास्ट हो या मैं कहूंगा ए लिस्टर हो, आप अपनी मौजूदगी बड़ी शिद्दत से महसूस कराते हैं ऑडियंस को जी। ये अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और आप अगर ट्रेलर देखें या टीजर देखें तो आपको कहीं एहसास होगा कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी की बात करी जा रही है या लोगों की बात करी जा रही है। हालांकि डॉक्टर साहब ने जस्टिफाई किया कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक्स के होते हैं और वाई के नहीं होते। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था और यू नो जैसे आपने कहा कि आप बड़ी चुनिंदा फिल्में करते हैं, व्हाट इज द वन थिंग यू नो व्हिच यू नो मेक यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट वाकई में बहुत सेंसिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो एड्रेस होना चाहिए। नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं चरित्र देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है और वो उसकी गहराई क्या है और फिल्म में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब मुझे जब भी आप मेरा काम देखेंगे तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ चरित्र के ऊपर कि इसकी गहराई और इसके मर्म को कैसे पकड़ा जाए। तो बेसिकली इस कैरेक्टर के जो मर्म को पकड़ने की जो मैंने कोशिश की उसमें मुझे ये लगा कि ये चरित्र मुझे करना चाहिए और इन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई। तो कुछ जगह ऐसा था कि मुझे लगा कि यहाँ स्ट्रगल हो रहा है कि मैं इस बात को कैसे सामने रखूँ जिससे ये बात उस आदमी या जो व्यक्ति है वो ईमानदारी से कह रहा है। तो मैंने उस ईमानदारी को पकड़ने की कोशिश की। जब आप कैरेक्टर देखेंगे वो बहुत सच्चा आदमी है, वो ऐसे करप्ट या इस तरह का कुछ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर मेरे भी रहता है कि करप्शन से बचा जाए, चाहे कैरेक्टर करते समय हो चाहे लाइफ में हो। तो वो कहीं ना कहीं वो मिल गया उस जगह पे, इसलिए मैंने ये किरदार किया। होप आपके सवाल का जवाब मैंने ठीक से दिया। हेलो हेलो, मेरा नाम सूर्य है, बॉलीवुड क्रेजी से। मेरा सवाल है एक्टर और डायरेक्टर दोनों से। सबसे पहले भूषण जी आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि आपकी डेब्यू फिल्म है और आपका जो किरदार है उसमें एक बहुत डेप्थनेस हमें नज़र आ रही है और बाकी तीन मुझे लगता है मेन करेक्टर यहाँ पे, एक राजेश शर्मा सर का और एक आपका और एक हमारे पत्रकार जो प्ले कर रहे सर उनका, तो आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च वर्क था उसमें कितनी मेहनत लगी, एक तो वो सवाल है, प्लीज़ पहले उसका आंसर दीजिए, मैं फिर डायरेक्टर साहब से पूछता हूँ। वैसे तो हम लोग, डायरेक्टर साहब भी मेरे मित्र हैं, हम लोग पिछले 3 साल से इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं इन्हीं के साथ डेब्यू करने वाला हूँ, तो मेरा करेक्टर बहुत थिन लाइन के साथ मुझे क्लियर पता था और मैंने इसके लिए बहुत स्टडी की, मैंने बहुत सारी फिल्म्स भी देखी, बहुत सारे वर्कशॉप भी किए और ये करेक्टर मेरे जो व्यक्तित्व है उससे बहुत डिफर है। मैं तो बहुत हंसने खेलने वाला इंसान हूँ मगर इस पूरी फिल्म में ये जो करेक्टर है ये बहुत परेशान है और एक्चुअली इसकी एक कहानी है, अपनी एक जर्नी है और जो इसमें जो मर्डर होता है उससे उसकी जर्नी कैसे कनेक्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पड़ताड़ना है और उस पड़ताड़ना को वो कैसे अपने आप से कनेक्ट करता है वो आपको ट्रेलर में भी दिखा होगा। जब आप फिल्म देखोगे तो डेफिनेटली मेरा करेक्टर पर्टिकुलरली आपको पसंद आएगा, आपको लगेगा नहीं कि ये डेब्यू हो रहा है, आपको लगेगा कि मैंने बहुत काम किया है, मगर ऐसा नहीं है, मैंने थिएटर ही किए हैं ज़्यादातर। थैंक यू। कैन आई हैव द माइक सेंट प्लीज़। और मुझे लगता है कि नॉर्मल जो पैटर्न हम देखते हैं ट्रेलर या टीजर में तो उसके साथ थोड़ा सा अलग तरह से आपने वो एडिट किया है तो मुझे अच्छा लगा वो। और एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, इस तरह के सब्जेक्ट को जब आप चुनते हो तो सीसी बात है आलोचनाएं बहुत होती है, लोग काफ़ी कुछ इसके बारे में कहते हैं, तो कंट्रोवर्सीज का हिस्सा जो आप ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे अब, उसके लिए कितना तैयार है आप, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए हमने तो फिल्म बनाई है, कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, हमने तो फिल्म बनाई है एक अवेयरनेस के लिए। अब अगर कोई उस पर कंट्रोवर्सी करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है। हम सेंसर ने फिल्म में टोटल 20 कट्स मारे, एक एक शब्द कटवा दिया उन्होंने, हमने वो शब्द भी काट दिए,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी अगर कंट्रोवर्सी होती है, अगर समाज को एक आईना दिखाने में कंट्रोवर्सी होती है, तो वो कंट्रोवर्सी हमने नहीं की, ना हम कोई प्रोपेगेंडा, हम कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट कर रहे हैं। एक तो आता है भाई टीम लगी हुई है पूरी कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट करने में, हम लोग कोई कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ टीजर आया है, एक ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिल्म आएगी, बस दैट्स इट। राजेश सर शूटिंग में बिजी हैं एक्चुअली, वो इसलिए नहीं आ पाए, उनका कंटिन्यू शूट चल रहा है। हेलो, आप जब फिल्म देखेंगे ना, तो उसमें जैसे नॉर्मली आप फिल्में देखते हैं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप एक ईविल दिखा देते हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ईविल कुछ लोग ही होते हैं और वो हर सोसाइटी में होते हैं, तो वो कुछ लोग ही ईविल है। हमारी आप फिल्म देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको क्लियर कि कुछ लोग ईविल हैं और कुछ लोग अच्छे हैं। लेकिन एक आपको तथ्य बताता हूँ, जर्मनी में जब नाजी रूल स्टार्ट हुआ था तो नाजी जो थे वो टोटल 10-15% थे, लेकिन उन्होंने इतना बुरा हाल मचाया पूरे वर्ल्ड में कि कम से कम 50 लाख लोगों को मार दिया, क्योंकि वो लोग पावर में थे। ऐसे लोग अगर पावर में आते हैं तो वो तबाही मचाते हैं, सिर्फ इतना बताया गया फिल्म में। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल, मतलब कि पॉलिटिक्स इस पर भी होगी ये फिल्म के ऊपर भी, आपको लगता है कहीं ना कहीं? अब वो पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स देखेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन, एक मुझे भी ध्यान में आया, एंड मैं सर भारत की बात नहीं करूंगा, लेकिन विश्व भर में देखे जहां ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऑल्दो ऑब्वियसली वी सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ आर कंट्री, बट कहीं ना कहीं आई थिंक हम अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटीज में, यू नो, लाइक वी आर लिविंग आइसोलेटेड लाइव्स, क्या यही कारण है दुनिया भर में एथनिक क्लैशेस होते हैं? देखिए, इंसान है ना एक अजीब तरीके का जानवर है, उसको है ना अपना क्लैन चलाना है, हर इंसान को अपना प्रोपेगेंडा अलग चलाना है, तो जब तक इंसान है तब तक वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा और लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। हम खुश होते हैं कि इस देश ने उसको मारा, हमारी आर्मी वहाँ जीत गई, मरा कौन? आदमी मरा ना, तो आदमी अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, हर आदमी, चाहे वो अगर सड़क पे भीख भी मांग रहा है ना तो वो भी सोचेगा यार दो आदमी तो अपने साथ मिला लूँ। चित्रण जी, इस सवाल पे कुछ आप कहना चाहेंगे? That by living in isolation, वो सिर्फ डिवाइड क्रिएट करता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, यस सर। नहीं देखिए, जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई ना मुझे, तो मैंने इनसे कहा भी, जब बातचीत चल रही थी, वर्कशॉप की हमने एक दो दिन, तो जब बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा कि ये फिल्म पीस की बात करती है, और मैं उस सब्जेक्ट से जुड़ता हूँ जो पीस की बात करे, शांति की बात करे, तो इसलिए तो मैंने हाँ कहा इनको, क्योंकि इनका जो आइडिया था वो ये था, जो मैंने, बाकी लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि ये फिल्म पीस की बात करती है, शांति की बात करती है, तो ये मेरी ओपिनियन थी। थैंक यू जी, थैंक यू। लास्टली सोहानी जी, माय नेम इज प्रभात फ्रॉम फिल्मी ज्ञान, आई जस्ट वांट टू आस्क, इन टुडेज टाइम व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हु वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन देयर डिपेंडेंसी? आई मीन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, हाँ मैं समझ गई, वो बनाना चाहे तो कैसे, क्या चैलेंजेस आती है आपको? देखो, जब आपका पहले से सारी चीज़ें, पहले तो सबसे ऑनेस्टी होती है सबसे ज़्यादा, आप कोई भी काम के प्रति ऑनेस्टी से करते हो ना, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत आएगी, लेकिन आप पहुँच ही जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें आई, बट एक ऑनेस्टी थी अंदर से, बस वही होता है कि ऑनेस्टी से, विश्वास से निकल जाओ, कुछ तो होगा ही होगा, हो सकता गलत हो, सही हो, कोई एक्सपीरियंस होगा, लेकिन होगा ज़रूर, तो बाहर निकलना ज़रूरी है और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे लगता है चैलेंज लेना चाहिए। और मैं हमेशा से, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, बड़ा करूँ, भगवान ने पता नहीं ऐसा डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आ गई और फाइनली आपके सामने हूँ, और भी बहुत सारी फिल्मों का प्लान कर रही हूँ, भगवान ने चाहा ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल फिल्म हो, क्योंकि ये एक हमने बहुत ही इमोशनल फिल्म बनाई है जो लोगों को कनेक्ट करेगी, जो लोगों के साथ बीती है वो लोग इससे कनेक्ट करेंगे, जब पूरी फिल्म देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको जस्टिस लगेगा, मुझे लगा कि वो देख के समझेंगे और लोग मुझे, हो सकता है उनके साथ आएँ, उनका साथ दें, और जो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ गलत है उसको गलत सब बोलें, तो मैं, हम लोगों ने ये इस पर्पज से फिल्म बनाई है,
तो चैलेंजेस आते हैं, बट चैलेंजेस मुझे लगता है कि अगर आप बाहर निकलते हो तो चीज़ें हो जाती है और कर लेते हो आप. थैंक यू. हाँ, जस्ट आई थिंक अभी शायद ये भी पता चला कि ऑब्वियसली आपने भी जिक्र किया डायरेक्टर साहब ने कि ऑब्वियसली CBFC के द्वारा कट्स कुछ शायद 20 कट फिल्म में हुए हैं. आई लाइक टू आस्क द डायरेक्टर एज वेल एज द प्रोड्यूसर, तो क्या इन कट्स का कहानी पे कितना प्रभाव पड़ा? कट्स का कहानी पे कोई प्रभाव नहीं है. उन लोगों को छोटे छोटे शब्दों से भी दिक्कत होती है. Okay, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ता है. तो अब उनकी गाइडलाइंस हमने तो पढ़ी नहीं है. हमने कुछ शब्द डाल दिए, वो शब्द उनको पसंद नहीं है तो हमने वो घुमा के डाल दिए. कुछ उनको जैसे हमने कुछ गवर्नमेंट के बारे में बोल दिया तो वो उनको उनके गाइडलाइंस में है कि आप नहीं बोल सकते हो, तो उन्होंने काट दिया. तो 20 कट ऐसा नहीं कि फिल्म पूरी आधे घंटे की कट गई, मुश्किल से 2-3 मिनट का कुछ कट लगा हुआ, दैट्स इट. तो मतलब क्रिएटिवली उस कहानी की सोल इंटैक्ट रही है. या डेफिनेटली डेफिनेटली. और ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड कोई हैवान है, राक्षस है, वो ऐसा है नहीं. वो भी इंसान ही है, इंसानों की तरह बात करते हैं. लेकिन अब उनका गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा. और हमारा काम है आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, अपना घुमा के अपना प्रोडक्ट निकालना, तो हमने वो निकाल दिया. ओके ओके, सो वेल सेड. या प्रोड्यूसर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, सेंसर संस्था है और संस्था हमारे जैसे लॉ होता है, कानून होता है, तो कानून के हिसाब से ही वो काम करता है. तो उसकी गाइडलाइन होती है, हो सकता है उसको जो लगता है सही. हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमने जो किया वो सही है, बट उन्होंने जो किया हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी लॉ होता है हम फॉलो करते हैं. आपको पता, हम सब फॉलो करते हैं. Sorry, उसी हिसाब से वो लाइक एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कई बार ऐसे सुनने भी मिलता है कि शायद कुछ जो बड़ी फिल्में रहती है बड़ी प्रोड्यूसर्स की, उनके लिए शायद कहीं ना कुछ एक आध फिल्मों के लिए थोड़ी लीनियंसी हो जाती है, देखने को मिलती है. बट जब बात आती है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स की, तो उन्हें बड़े चक्कर खाने पड़ते हैं. क्या ये सत्य है? हाँ, थोड़ा चक्कर तो खाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से आपको कोई जानता ही नहीं है. लोग सोचते हैं किसने क्या बनाया होगा. एक तो देखो, जिसकी ऑलरेडी पहचान है, जो प्रोडक्शन इस्टेब्लिश है, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं हाँ इसने बनाया, अच्छा ही बनाया होगा, कुछ ऐसा नहीं किया होगा. बट हम जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा नए लोग हैं, पता नहीं क्या बनाया हो. तो पूरी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ. ऐसा नहीं है, बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को, और हमें भी वैसे ही कंसिडर करते हैं जैसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं. तो वैसे ही कंसिडर किया मुझे भी, और बहुत मुझे सेंसर ने अच्छा सपोर्ट किया. तो दैट्स इट. मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है. चिंदन सर ने कहा कि द फिल्म टॉक्स अबाउट पीस एंड हार्मनी, लेकिन जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको कुछ और ही समझ में आता है कि कुछ और ही चल रहा है. यू नो, माइट बी योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और समथिंग. और अगर वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है मुद्दे के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, पीस और हार्मनी के हिसाब से, डोंट यू थिंक इट हैज टू बी टैक्स फ्री फ्रॉम सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट? अब देखिए, जब फिल्म रिलीज होगी ना, तब उसके बाद हम टैक्स फ्री की बात कर सकते हैं. हमारे हमें सपोर्ट करने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सुहानी जी को प्रोड्यूस सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है नहीं. तो जब फिल्म रिलीज होगी, लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी टैक्स फ्री की भी 100% लोग बोलेंगे कि इसको टैक्स फ्री कीजिए. ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है. मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग भी ट्रेलर तो देख ही रहे हैं, फिल्म भी देखिए. फिल्म देखेंगे, आपको जो भी छूता है उस फिल्म से, आप लोग अच्छा अच्छा लिखेंगे, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप आवाज़ हैं एक अच्छे सिनेमा की. आप आवाज़ फिल्म देखिए, आप लोग हमारी आवाज़ बनिए. आपको जो भी फिल्म में छूता है आप लिखिए, आपको जो भी गलत लगता है वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. और जो अच्छा लगता है प्लीज़ उसको लिखिए, और आप हमारी आवाज़ बनिए. ये फिल्म टैक्स फ्री क्या, मैं तो बोलता हूँ कि वो करोड़ों के क्लब में जाएगी. अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं मीडिया वालों, सब जो जितने भी मीडिया वाले हैं, जो नए प्रोड्यूसर आते हैं ना, तो उनको आप भी सपोर्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि जब वो आते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहती है. और मीडिया, स्पेशली मीडिया भी कहीं देखती है कि अच्छा नया प्रोड्यूसर है. तो मैं आपके लिए भी बोलूँगी, आपको ये फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत हार्ड टचिंग है, हमने एक रियल मुद्दों को उठा के बनाई है और इसमें बहुत मेहनत की है हमने. मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें हम लोगों को, तभी लोगों तक बात जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से आपको, आप पे लोग विश्वास करते हैं, आपको देखते हैं. तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस पिक्चर को हिट करवाने में. थैंक यू. देखिए, बात यहाँ पे धर्म की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे देश का है, उसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ें होती हैं. बाकी आप देखिए ना, हो क्या रहा है आसपास, जो हो रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा.
देखिए आप पर्टिकुलर एक मुद्दा है, एक पर्टिकुलर मुद्दा होता है, आप उस मुद्दे को लेके फिल्म बनाते हैं। ये देखिए कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के आसपास आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर एक सिनेमैटिक फिल्म है। ये सिनेमा है, ये कोई प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करने के लिए नहीं फिल्म बनाई है, प्रॉपर सिनेमा है। एंड जो इसका एंड है वो इसको पूरा समराइज करता है और उसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है फिल्म में। तो अब आप ये बोलें कि दो कम्युनिटीज़ को लेके बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। कानून, जो कानून है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लेके ही बनाया गया है, इसी वजह से आया है, नहीं तो शायद कुछ और भी हो सकती थी फिल्म। मैं ये कह रही थी जो सच है वो अभी दो कम्युनिटीज़, आप हिंदू मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम फिल्म मेकर हैं। बट हम लोगों ने क्योंकि ये चीज़ है जो हो रही है वो दिखाने की कोशिश की है। हमारा कोई इंटेंशन वैसा नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो सच है वो लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, हमारा मोटिव वही है, तो हम उस पर्पज़ को लेकर काम कर रहे हैं और हमने ये फिल्म बनाई। तो एक दो लोग ही दिखाए हमने, तो ज्यादातर एक दो लोग जो उनके पीछे और जितनी भी गैंग है ना वही दिखाए हम। आप जब फिल्म में देखोगे ना तो एक ही आदमी है जो सब कुछ कर रहा है, वो ये बैठा है यहाँ पे एक ही है, वो यही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, यही है, पकड़ लो इसको भी यहीं पे इस आदमी को इसमें कानून है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कानून का, आपने सबने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। वो कानून ये है कि अगर वो एक बोर्ड बनाया गया है 1995 में उसको, और दांत दे दिए गए हैं और वो दांत इतने पहने हैं कि अगर वो आज ये कह दे कि ये बिल्डिंग उसकी है तो ये उसकी हो गई, आपको उसको साबित नहीं करना, उसको उस बोर्ड को ये भी नहीं बताना कि क्यों हो गई, उसकी हो गई। और उसके बाद आप कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़िए, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और अगर आप उस हाई कोर्ट, अगर आपको कुछ करना है तो उन्हीं के आप जाके अपील करोगे, उनके जो एक ट्रिब्यूनल होता है वहाँ जाके अपील करोगे आप। उस अपील में अगर उनको लगा कि नहीं भाई हमने तो जब गलती से कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और आप एक चीज़ सोचो, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की जो फीस होती है, एक आम आदमी का पूरे साल का खर्चा होता है, वो इनकम होती है, तो आम आदमी जा पाएगा वहाँ पर? तो ऐसा ऐसा कानून बना कैसे सकता है, सोच के देखो ऐसा कानून कैसा बन सकता है। मैंने तभी तो बोला था कि क्रिमिनल भी वही, कोर्ट भी वही, वकील भी वही और जज भी वही, तो क्या मतलब हमें तो समझ में नहीं आई ये बात। आम आदमी लड़ेगा कैसे उससे, आप ही आप ही सोचो। और एक मजे की बात और बताता हूँ, हाई कोर्ट की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड ने अपनी बोल दी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया हाई कोर्ट की, देखो इन्होंने हमारी जमीन ले ली तो आप इससे बड़ा जोक और क्या होगा। इंदौर का म्यूनिसिपल ऑफिस, हमारे देश का पार्लियामेंट, अंबानी का घर, ये सब क्लेम किया हुआ उन्होंने, तो ये लोग को, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, बट जो आम आदमी वो तो गया ना। बड़ा वाले जो बड़ों की जो होता है कब्जा वो पता है, और छोटे जो होते हैं उनको कोई सुनता नहीं है, उनकी बात तो पहुंचती नहीं है वहां, कहां पहुंचे, कौन सुनेगा। तो उनकी तो, बड़ों की तो बात आ ही जाती, सामने कोई लॉयर भी आ जाता है तो बड़े लोग, छोटे लोगों के लिए कोई नहीं, वो बेचारे वहीं सफ़र करते हैं, वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं वही हमने इस पिक्चर में दिखाया है, उनका दर्द जो कैसे कैसे वो हैंडल करते हैं उस टाइम में सिचुएशन जो उनके ऊपर ऐसी आ जाती है। तो वो फिल्म हमने, आप जो फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। जिन लोगों के पास ताकत होती है ना वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वो हद यहाँ पर दिखाई गई है इस फिल्म में, और वो हद किस तरीके से, वो हद दी गई है, उनके पास है नहीं, उनको दे भी दी गई है, तो वो इस फिल्म में दिखाया गया है एक्चुअली। ओके, एक फाइनल सवाल मैं लूंगी अगर कोई है तो बता दूंगा, तो थोड़ा सा उसका मजा चला जाएगा जब आप देखेंगे तो। लेकिन मैंने जो पहले ही कहा ना कि एक सच्चाई जो होती है, ट्रुथ जो आप लोग कहते हैं, क्योंकि मैं आप हूँ इस फिल्म में, तो एक सच जो आप लोग सच के साथ रहते हैं, उनके साथ मैं इस फिल्म में रहता हूँ। और मैंने जैसे बताया कि मेरा काम है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जो बात कहना चाह रहे हैं उसका एक माध्यम हूँ मैं, मेरे ज़रिए वो बात कही जा रही है, लेकिन क्रिएशन इनका है। तो ये कैरेक्टर से क्या चाह रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक कैरेक्टर तैयार किया
और मैं थोड़ा अंडर प्ले कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सीन थोड़ा सा ऐसे चाहिए। तो मुझे भी लगा ये मेरे लिए चैलेंज है कि हाँ ये कैरेक्टर इनके माइंड में ऐसा है तो मैं इसको इस सच्चाई के साथ ही करूँ ताकि वो कहीं से भी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि करप्ट ना लगे, और वो ऐसे ही है। आप चरित्र को देखिए, बहुत मुश्किल काम है आप लोग का चरित्र करना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी बोला है ये फिल्म एक सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दे को जितना हो सके आप लोगों का सहयोग करें आप, क्योंकि ये जनधन की आवाज़ है, ये उन लोगों की कहानी है जिन लोगों की कहानी आप तक नहीं पहुँचती है। तो हमने इस फिल्म के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, तो उन लोगों की आवाज़ आप बने और इस फिल्म को इस तरीके से आप जहाँ भी आप राइट करते हैं, लिखते हैं, लोगों के पास पहुँचाते हैं, जो आपका वे है आप पहुँचाइए और लोगों की आवाज़ बनिए। मैं चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग, मैं कुछ लोगों से ऐसे मिली हूँ जब हम फिल्म कर रहे थे उस दरमियान भी मेरे लोगों से मुलाकात हुई जो पीड़ित हैं, जिनको जिस तरीके से मतलब प्रताड़ना हो रही है, जो चीज़ें हो रही है उस इलाके से, कैसे वो अपने पुरानी जगहों से, जो मतलब होता है ख़ानदानी आपका दादा वहाँ रहे तो एक इमोशन होता है हमारा ना जहाँ रहते हैं घर से। अब मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ लेकिन मेरा दिल वहाँ रहता है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ बट मैं वहाँ जाने के लिए तरसती हूँ कि मैं वापस जाऊँ क्योंकि मेरा काम है तो इधर रहना पड़ता। तो वो छोड़नी जगह को, उधर मातृभूमि को जिस जगह आप रहते हो, तो वो बहुत टफ होता है, आप जानते हो ये चीज़ सब। तो मैं चाहती हूँ जनधन की आवाज़ बने और इस फिल्म के जरिए इस फिल्म को प्रमोट करें ताकि सब लोग जान पाए कि ऐसे भी कुछ लॉ बने हुए हैं जो देश के लिए सही नहीं है, जो लोगों के लिए सही नहीं है। और जैसे आपने अभी, किसी ने मीडिया पर्सन ने पूछा था कि वो रात लास्ट में एक रोते हुए सीन है, वो रोना वही है जो आदमी अपना घर छोड़ने पर मजबूर होता है तो वो रोता है, कितनी बुरी तरीके से रोता है वही दिखाया गया। जैसे हम जब मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ इस फिल्म में, तो मेरे को जब मुगुल जी ने बोला कि आपको रोना है, मैं जब मैं साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ चल रही थी उस वक्त, मैं जब शूट कर रही थी तो वो सीन, वो मेरे को पता ही था मेरे को तो ऐसे ही रोना, क्योंकि मैं इस जो ये स्टोरी है ना उससे इतनी कनेक्टेड थी। मेरे को उन्होंने बोला ये सरप्राइज थे कि ये कैसे हुआ, आप जो भी सीन देख रहे हैं रो रहे हैं, एंडिंग भी हमारा है जो उसमें भी हम लोग रियल में राजेश शर्मा भी रोने लगे थे, लिटली उनकी आंखों में इतने आंसू मैं देखे और ज़्यादा रोने लगी। तो हमारे लिए वो कि कनेक्शन पूरा बिल्ड किया इन्होंने स्टोरी की, इतनी अच्छी लिखी कि हम लोग, अब आप लोग जब फिल्म देखोगे तो आप सब लोग मीडिया वाले आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप भी कनेक्ट करोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। थैंक यू सो मच। सो एक दो दिन तो लगता ही है लेकिन धीरे धीरे हमारे पास सोशल मीडिया पर मैसेज आने शुरू हुए, कुछ लोगों के फ़ोन आए कि ये तो हमारे साथ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं जिन लोगों के साथ ये हुआ है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग स्टेज पे आइए और अपनी जरा बात कहिए। प्लीज आपका स्वागत है, आप सब लोग ऊपर आइए। महाराष्ट्र से आ गए हैं, ये जो फिल्म है इनका जो नाम है आखिर पालन कब तक, मैं इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्हें फिल्म बनाई। अब इस कुछ लोगों ने अभी यहाँ पूछा था कि ये कि धर्म पे ये क्यों, तीन चार बार डायरेक्टर साहब ने उसका आंसर दे दिया कि वो जो कायदा बना है वो कायदा उनके लिए बना है, जो है वो कायदा उनके लिए बना है, वो कायदे का गलत वापर कर रहे। जब अपना भारत स्वतंत्र हो गया था उनके पास खाली 8000 एकड़ जमीन थी, अभी 8,00,000 एकड़ जमीन आ गई, कहाँ से आ गई ये पहले बात ये है। अभी हम सोलापुर में परसों मोर्चा निकाला था वप्प बोर्ड का, वप्प बोर्ड किसको ही मालूम ही नहीं, मगर सोलापुर की 300 प्रॉपर्टी अभी पूरे धोखे में, 300 प्रॉपर्टी जहाँ से हिंदू लोग पलायन हो रहे। यह ऐसा बेकार कायदा पूरे वर्ल्ड में कहा नहीं है, खाली अपने भारत में। अभी हमारे साथ जो लोग आ गए वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पहले कुछ भी नहीं था, खाली 400-300 एकड़ जमीन थी, वहाँ भी वो सब वो जमीन उन्होंने कागज पत्र बना के हड़प कर दी। वहाँ 40 घर थे हिंदू के, अभी 22 घर रह गए, अभी 2 घर भी निकल रहे। आपको कभी कभी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं वो आपको दिखाना, आपको दिखना है तो पाकिस्तान जाने की कुछ जरूरत नहीं है। हमें सोलापुर में आ जाइए साकरपेट में, आपको दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान की हिंदू वहाँ कैसे रहते हैं, सब उधर रहते हैं। आप वो साकरपेट में कभी अंदर आ गए तो ये सब पूरी जो फिल्म है वो वही ख़त्म हो जाएगी। वो डायरेक्टर साहब जो आईना दिखा रहे समाज का,
मैं तो उनको इतना धन्यवाद देता हूँ कि उनके चरण भी स्पर्श करे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा, क्यों भगवान ने इनको भेजा है ये सब समाज की तकलीफ के वास्ते। कि अभी आप बोल रहे कि पॉलिटिकली, वो पॉलिटिकली हिंदू भी रहते और मुसलमान भी रहते, मगर वो गलती जो पैसा खाता है वो गलती है। अभी ये वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष थे, अभी इनका नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, सोच रहा था मैं, वो खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर दिए, खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर दिए वक्फ बोर्ड के जो पूरे भारत के अध्यक्ष थे, क्यों स्वीकार कर दिए, तो उनको लग रहा था ये गलत है, ये गलत कर रहे, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार कर दिया। अब वो सब पूरे हिंदू संस्कृति के रहते, क्यों, तो उनको मालूम है कि क्या चल रहा है क्या है। आप उनका नाम मेरे को पहले बोल दिया कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं बहुत बार अभी ये नाम याद नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नाम नहीं याद रहा, मगर हाँ वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म स्वीकार दिया, क्यों कर दिया, तो ये सब गलत है, उनको मालूम है ये गलत चल रहा है। हाँ वो वही बात कर रहा हूँ, वो बोर्ड रहते हो हाय अलग बोल रहे, मगर ये जो गलत चल रहा है इस, हाँ वही गलत चल रहा है, इसलिए वो आ गए। मगर मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि ये कायदा है, वो कायदा खत्म होना चाहिए और सबको न्याय समान होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं 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 समान नहीं है कायदा, कायदा नहीं नहीं कायदा समान नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कायदा समान नहीं है। कायदा समान जो रहता था वक्फ बोर्ड की जगह पे, खाली हमारे सोलापुर में 22 जन अभी वहाँ रहते हैं, 100 जन, 100 जन के 22 जन को हिंदू को ही नोटिस आ गई, वो मुस्लिम लोगों को नहीं आई नोटिस। नहीं कोर्ट जज भी उनका है, वकील भी उनके है, सब ही उनका है, तो कहाँ जाना है। अभी ये जो लोग है ये कमाते कितने हैं, अभी इनको समझो संभाजी नगर जाना है वो बोर्ड पास, 2500 रुपये खर्चा है जाने आने का, एक बार जाने आने का 2500 रुपये खर्चा है, कहाँ से देंगे ये लोग, इनके पास तो पैसा भी नहीं है, फिर कैसा ये चलेगा। ये कानून खत्म ही होना चाहिए ना, जब कानून खत्म हो गया, अभी यहाँ बैठे है वो संसद भवन पे भी उन्होंने दावा ठोक दिया था, तब दिल्ली से कानून खत्म हो गया, फिर दिल्ली में सरकार नहीं देती है कानून, ये कहाँ भी आप जहाँ वोट करेंगे वो उनकी जगह कैसी हो जाती है ना, ये बात है। ये एक लैंड जिहाद का प्रकार है, अपने को जो अभी है उनका एक ये है कि हमने 1947 को झगड़ते हुए पाकिस्तान लिया है, अभी हंसते हंसते 2047 को हिंदुस्तान लेंगे, ये इनका पूरा ये है उनका सर। हो है ना, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब अपन आवाज उठाएंगे तही तब मोदी जी कर पाएंगे ना, इसलिए हम आवाज उठा रहे। क्या अपन यहाँ बैठ के नहीं हो सकता क्यों, बट ठीक है चलो हम ये जगह पे से ले गए अकेले दूसरे जगह पे जा गए, वैसा नहीं है। जो अपन यहाँ समाज में से आवाज उठाएंगे, मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी ने 370 खत्म करने से पहले वक्फ बोर्ड खत्म करना होना चाहिए, मगर 370 का आवाज उठ गया था इसलिए उनको 370 खत्म करना पड़ा, मगर वक्फ बोर्ड का आवाज नहीं उठा है। हमको खुद भाग्यवान समझते कि सोलापुर में से हमने आवाज उठाया, सोलापुर में से पहली बार हमने आवाज उठाया और कम से कम 20,000 लोगों का परसों मोर्चा निकाला था हमने, कि वहां नीलेश जी नारे राणे आए से अपने राजा सिंह ठाकुर भी आए थे, वो बहुत बड़ा मोर्चा सोलापुर में से पहली बार निकाला गया, अभी उनको धास्ती बैठ गई है, इसलिए वो कल हमारे सोलापुर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार आए थे, उनके साथ वो बातचीत कर दे, उन्हें तो और मांगी कि वक्फ बोर्ड का कायदा और घट्टा हो जाए और यहाँ सोलापुर में बड़ा ऑफिस निकाला जाए। क्यों भाई, क्यों निकालना है आपको, क्या तकलीफ है आपकी, वक्फ बोर्ड क्या है, कायदा क्या है, आपको क्यों ना होना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ खाली हिंदू पलायन के वास्ते ये सब हो रहा है और पूरा देश मुस्लिम की तरफ कैसा करना है और इस्लाम कैसा 2047 को बनाना है, ये इनका ध्येय। मैं हिंदू महासभा शहर अध्यक्ष सुधीर भैरवाड़े, जय श्री राम। सर आप अपनी कहानी बताना। 1880 से लेकर हमारा पिताजी के दादा वो जगह पर थे, उसका टीपी नंबर था 9980, वही नंबर है आज तक। लेकिन जब वो जमीन था, वो जमीन पर कौन सा ट्रस्ट का नाम नहीं था, नहीं लगा हुआ था,
तो बाद में ऐसे ही थोड़े थोड़े लोग आ गए वो ज़मीन पर, जब तो हम पैदा नहीं हो गए थे, जबकि बात है तो ऐसे ही हमारा दादी पिताजी बोलते थे ऐसे ही है ऐसे ही जगह लिए रखे। फिर बाद में जो 1967 में महानगर पालिका, उसके पहले नगर पालिका था, तो जब नगर पालिका टाइम पर डिमार्केशन किया हुआ है, डिमार्केशन 40x40 20x40 ऐसा स्क्वेयर फुट डालकर उनका जो नंबर दिया सो है, एक नंबर दो नंबर ऐसा, फिर देने के बाद उस दिन से फिर वो नगर महानगर पालिका होने के बाद 1967 में जब वो मिलकत क्रमांक बोलते हैं ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स में वो नंबर दिया हुआ है, तो नंबर देने के बाद सबको दिया सो है, हमारे लोगों को भी दिया सो है, हमारे हिंदू समाज मुस्लिम समाज ऐसा कोई ऐसा झगड़ा नहीं आज तक हमारा उनका कोई भी झगड़ा नहीं। लेकिन जब जब वो 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के ऊपर जो आते पंचायत समिति, वो जो आपस में नहीं किया हमको लड़ाई करके देते। अभी पहले से वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है, 1942 में वही हो गया, 52 में भी उसका निकाल हो गया, और उसके बाद 1982 में उसका भी निकाल हमारे तरफ हो गया, पूरा वंश परंपरा का निकाल हो गया। उसके बाद और मेरे ऊपर और केस दर्ज किए थे उन्होंने, वो 2003 में वो हम आपस में बिठा दिए, पूरे मेरा कोर्ट का मेरे पास नकल लाया हूँ मैं, वो भी होगा, और वापस अभी वर्क बोर्ड में डाल दिया अभी, कि मतलब ऐसा नहीं है वर्क बोर्ड में डालने का बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन जाने आने का वो कल का अजित पवार जो आए थे ना उनके स्टेटमेंट में दिए, वो हमको जाने का आने को तकलीफ होता है, हम गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक है, खर्चा होता है, फिर क्यों भाई दाखिल क्यों करना, तुम्हारा तुम सोच ले रहे ना, हमको भी सोचने दो ना, हमारा भी सोचना, फिर ये सोच में नहीं आया। फिर उस दिन से ये चल रहा है, फिर हम जिलाधिकारी को उनको भी हम लेटर दिए थे, बाबा हमको ये बहुत तकलीफ हो रहा है, पानी का तकलीफ हो रहा है, बाथरूम नहीं है वहाँ, और शौचालय का भी व्यवस्था है लेकिन वो मनाही करते हो, अभी 15-3 हफ्ते हो गए अभी मनाही करते हो, किधर जाने का बोलो। हमारे पास वो गली में बाजू में रहते वो शेजारे हमारे हिंदू समाज के, वो औरत जरा अपंग हो गई, वो औरत तो वो दो जने पकड़ के बाथरूम में लेके जाते थे, आ वो औरत आज बाहर आंगन के सामने वो स्नान करती है, वो उसको भी मना किए। तो अभी वो सीसीटीवी कैमरा लगाए सो है अभी, एक आठ दिन दस दिन हो गए अभी, तो उनका ये नहीं हो रहा है, उनका छोटे छोटे बच्चों को भड़काव करने का और औरतों को लेडीज़ को उनके लेडीज़ लोगों को भड़का देने का, लेकिन वो ट्रस्टी लोग सामने नहीं आते कभी ज़िंदगी में, आज तक तो मेरा 60 साल का उम्र है तो आज तक मेरे सामने कभी नहीं है वो, ऐसा हो गया। तो दूसरी बात जो है मेरा नल कनेक्शन को जो अर्ज दिया था, मेरे पास नल नहीं है सार्वजनिक का, तो मैं अर्जी दिया था, अर्जी ने वो मना ही कर दिया, लेटर दिए कॉरपोरेशन को इनको कनेक्शन नहीं देने का। तो 2003 में जो हमारा कोर्ट में जो करार हो गया, वो पंच कमेटी का हमारा, हम दो भाई हमारा भांजा था वो, हम सब जने मिलकर इसके ऊपर साइन कर दिए पेपर के ऊपर कोर्ट में। इसमें हिमाचल में शूट कर रहा हूँ कि नहीं आ पा रहा हूँ, और एक ब्रिजेश कार्निवाल करके उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, वो भी यहाँ पे नहीं है, हम लोग मिस कर रहे हैं उनको, और एक गौरव शर्मा जो वो बहुत, रोहित जो आपको दिख रहे हैं रोहित, वो गौरव शर्मा ने बहुत शोज करा है, अभी शो कंटिन्यू 2 शो कर रहा है, तो आज वो बहुत जहाँ भी है बहुत मिस कर रहा है, मेरे को बोला था मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बट वो आ नहीं पाया, उसका शूट है, तो कुछ उन लोगों के लिए मैं बड़ा वो मिस कर रहे होंगे शायद, तो आप लोगों को बता देती हूँ, ये गौरव शर्मा है और एक ब्रिजेश कार्निवाल करके हैं, वो भी कहीं दिल्ली बिहार में शूट कर रहे हैं, तो बहुत कार्निवाल, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, हर एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया हमारी, और टीम जो क्रू है टेक्नीशियन है उन्होंने भी ब्रिलियंट काम किया है, तो वो फिल्म सब लोगों ने मिलकर बनाई है, बहुत मन से बनाई है, मैं इतनी थैंकफुल हूँ सबकी, हमारे डायरेक्टर की, डायरेक्टर तो हमें आधी रात को मैं कॉल करती हूँ उठा लेते हैं, तो तभी ऐसी फिल्म बनती है, हमने बड़ा दिल से शिद्दत से इसको बनाया है, तो मैं चाहती हूँ सब लोगों को जस्टिस मिले, जिस फिल्म के जो हमारा मैसेज है सब तक पहुँचे, तो ये मोटिव से बनाई है, थैंक यू सो मच, आप लोग सब लोग आए इतना अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।